सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। नगर निगम चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है, कैपिटल न्यूज ने भी तैयारी शुरू कर दी है, पर धरातल पर पहुंचते ही जो सच सामने आ रहा है उसकी झलक जरा देख लीजिए, फिर समझ में आएगा कि दोषवार कौन है। आप सिर्फ एक रीजन बता दीजिए कि 10 बजे क्यों आ रहे हैं, 10 बजे के बाद 10:30 बजे से नहीं नहीं खुलता है, समय से खुलता है, समय से बंद होता है, यही समझ रहा है। आज बुरे कारण से 10 बजे आए हैं, 10 बजे चाहेंगे बच्चे हो गए बच्चे, चलिए हर दिन किसी टाइम पे स्कूल खुलता है, 8 बजे खुलता है, चलिए सर 8 बजे खुलता है डेली, 2 बजे बंद होता है, 2 बजे बंद कर देता है, 8 से 2 अब टाइम हो गया, पहले 9 से 3 8 बजे स्कूल खुलता है, पहले 9 से 3 था, बताओ 8 बजे स्कूल खुलता है, 9 से 3 9 से 3 कितने बजे खुलता है, 10 बजे, नहीं हम बच्चों से बात। जनता को दुश्वार क्यों दें जब चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास इतनी फुर्सत नहीं कि वह सरकार की ओर से मुफ्त में दी जाने वाली शिक्षा और भोजन सुचारू रूप से चल रही है या नहीं देख सके। नवसृजित मेदनगर नगर निगम के वार्ड नंबर 2 अंतर्गत सिंगरा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय बजराहा में लापरवाही का आलम हर तरफ पसरा दिखा। पीने का पानी की वैसे भी किल्लत है तो चुवाड़ी साहब पानी पीने के लिए बच्चों को जानवर की तरह मुंह लगाकर पीना पड़ता है, पर उसे देखने वाला कोई नहीं है। 3 शिक्षक कार्यरत हैं, 2 को तो परीक्षा में ड्यूटी मिल गया है, पर जो बचे 1 हैं उन साहब को 10 बजे से पहले फुर्सत कहाँ, जो विद्यालय आए और इधर उधर भाग दौड़ कर रहे नन्हे मुन्ने को कुछ सिखा जाएं। गांव वालों को तो मतलब है ही नहीं, उन्हें तो करप्ट कर चुके सिस्टम की लत लग चुकी है, बस सबके लिए तो बस काम खाना पूर्ति ही है, और कभी जाँच हो जाए तो देखिए कैसे भागते हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है, टाइम तो 10 बजे जाना है, 10 बजे गया, कितने शिक्षक हैं यहाँ, कितने हैं, 3 वो शिक्षक का बताइए, 1.5 लाख रुपया हम बताए आपको सरकार वेतन दे रही है, खिचड़ी का पैसा दे रही है, 2 लाख रुपए आपके गांव पे सरकार खर्च कर रही है, इसके एवज में इन बच्चों को पढ़ाना है, तो ये जवाबदेही आपकी है, आपकी है, आप सबों की है कि हमारे बच्चे इस स्कूल में, मेरे बच्चे नहीं आके पढ़ रहे हैं, इस स्कूल में किसी अधिकारी के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, इस स्कूल में आपके बच्चे हैं, और ये आपकी जिम्मेवारी है कि स्कूल टाइम से खुले, इन लोगों को सही से पढ़ने लिखने को मिले। पानी कहाँ पीते हो तुम लोग, बताइए, छोटा बच्चा है सब नदी में पानी पी रहा है, तबीयत खराब होता है कि नहीं, तो ये सब मुखर होके जवाब देना पड़ेगा। शहर से कितना दूर है, 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर की दूरी पे आप लोग हैं, सरकार आपके गांव पे 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए सिर्फ शिक्षा पे खर्च कर रही है, अब इसका यूटिलाइजेशन लेना, इसका उपयोग करना हमारा कर्तव्य है, आप सब गांव वालों का, आप लोग जागरूक होइए, अगर शिक्षक लेट से आते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसका अल्टीमेटम दीजिए, और उसके बाद भी नहीं सुधरते हैं तो पहले मेरा नंबर नोट कीजिए, आप अधिकारी हैं, डीसी साहब हैं, डीएससी साहब हैं, और कई सारे पदाधिकारी हैं, उन लोग को सूचित कीजिए, इसके बाद भी नहीं होता है तो हम लोग हैं मीडिया वाले, हमको सूचित कीजिए, हम आएंगे आपके गांव में, हम तो नगर निगम का खबर देखने आए भाई, देखे कि ये स्थिति है गांव में, तो आप लोग से बात कर लिए, लेकिन आज हम चलिए। कैपिटल न्यूज ने सामाजिक पत्रकारिता का दायित्व निर्वहन किया और ग्रामीणों, बच्चों, शिक्षकों को सजग व जागरूक किया, पर यहाँ कहना जरूरी है कि शिक्षक महोदय हमें नकारात्मक मत समझिए, अपनी जिम्मेवारी को सकारात्मक तौर पर समझिए भी और निभाइए भी, भागिएगा तो भगाए जाएंगे, बात कीजिए जनाब, आपकी मजबूरी भी हो सकती है, पर बच्चों के बोल वहाँ तैनात प्रबंधन समिति, शिक्षा समिति का पोल खोल रही है, जिसे संवेदनशील उपायुक्त सुधार देंगे, पलामू को विश्वास है। ब्यूरो कैपिटल न्यूज़।